तो आज की इस वीडियो में दिखाने वाला आप लोग कि फोन पे बिजनेस अकाउंट आप लोग कैसे बनाएंगे अपने मोबाइल फोन से। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, सारा कुछ डिटेल में आपको दिखलाया हूँ। और कितना कस्टमर आपके दुकान पे आता है तो उसके फोन पे ऐप में एक फोन पे वॉलेट का ऑप्शन होता है, उसमें पैसा होता है। आपके फोन पे डायरेक्ट ऐप में स्कैनर एक QR कोड होगा, उसको स्कैन करता है तो सिर्फ UPI से पेमेंट करता है, फोन पे वॉलेट का ऑप्शन नहीं आता है। अगर आप लोग को फोन पे बिजनेस अकाउंट है उसका QR कोड है तो उसको कोई भी कस्टमर स्कैन करेगा तो फोन पे वॉलेट का भी ऑप्शन आएगा, तो वहां से आप लोगों को पैसा पेमेंट कर देगा, तो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। तो इस वीडियो में सारा कुछ आपको दिखाना है कैसे फोन पे का बिजनेस अकाउंट बनाना है और कैसे QR कोड आता है और बैंक कार्ड कैसे ऐड करना है, सब कुछ इस वीडियो में लाइव दिखना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, तभी आपको समझ आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको फोन पे बिजनेस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पर देख लीजिए इसी तरह का ऐप है। तो आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। उसके बाद आप लोग को अलाउ करने को बोला है, तो आपको सिंपल से अलाउ कर देना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर मोबाइल नंबर देना है, जिस भी मोबाइल नंबर से आप लोग बनाना चाहते हैं। उसके बाद आप लोग को वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मोबाइल नंबर दीजिएगा तो OTP आएगा, OTP डाल करके वेरीफाई एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और जैसे इस पर क्लिक करेगा तो बस यहाँ पे आप लोग को स्टार्ट नाउ दिख रहा है आपको, तो इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को अलाउ करने को बोल रहा है तो अलाउ कर देना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे एक स्टार्ट नाउ का एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे एक बिजनेस नेम, तो आपके अपना दुकान का नाम दीजिएगा। और उसके बाद आप लोग के यहाँ पे नीचे में बिजनेस कैटेगरी दिख रहा है, तो आपका दुकान किस कैटेगरी से आता है। तो मेरा तो मोबाइल दुकान है, तो मैं यहाँ पे अपना जो भी कैटेगरी का होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे बहुत सारा कैटेगरी दिया हुआ है, अगर आपका कैटेगरी इसमें नहीं है तो आपका शॉप का, तो यहाँ पे ऑर्डर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप लोग अपना बिजनेस का लोगो भी यहाँ पे दे सकते हैं कैमरा पे क्लिक करके, और उसके बाद आप लोग कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे लोकेशन से आपका घर का एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे लोडिंग मैप देख लीजिए, ये लोड कर रहा है। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे मैप का एक सर्कल दिखला आपको, उस पर क्लिक करना है, 2-3 बार उस पर टिपना है तो आपका एग्जैक्ट लोकेशन दिखला देगा आपका मोबाइल जहाँ भी होगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जहाँ पे भी वो सर्कल दिख रहा है वो मैप का लोकेशन वहाँ पे ले जाना है आपको। उस पर ले जाने के बाद बस आपको एक बार बैक करना है और उसके बाद आप लोगों को ऊपर करना है। उसके बाद आप लोगों को रोड और फ्लैट नंबर में आप लोग को अपना गाँव का नाम दे देना और कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको जस्ट वेट करना है यहाँ पे, एक्सेप्ट पेमेंट नाउ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मेरा दुकान का नाम दिखा दिया ऊपर में, उसके बाद मेरा एड्रेस भी है। एक्सेप्ट पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे भीम UPI देख लीजिए और फोन पे वॉलेट दो ठो से आप लोग पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं और 0% चार्ज लगा, बिल्कुल फ्री है ये। और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप लोग को अकाउंट नंबर देना है, जिस भी जैसे ही कोई भी QR कोड का स्कैन करेगा तो आपको किस अकाउंट में पैसा चाहिए वो खाता नंबर यहाँ पर देना है। चलिए मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद री इंटर अकाउंट नंबर, जो भी ऊपर में अकाउंट नंबर डाले वही फिर से यहाँ पे री इंटर अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद आप लोग को IFSC कोड डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सब कुछ पासबुक पे लिखा रहता है तो वहाँ पे IFSC कोड डाल देना देख करके। उसके बाद अकाउंट टाइप सेविंग है कि करंट, तो जनरली सबका सेविंग होता है, आपका जो भी खाता हो वो सेलेक्ट कर लेना, मेरा तो सेविंग है। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक कर यहाँ पे वेरीफाई डिटेल दिखा रहा है, बस यहाँ पे एक्सेप्ट अनलिमिटेड पेमेंट आपको इसको अनेबल करना है या फिर स्किप भी कर सकते हैं। चलिए मैं एक्सेप्ट पर क्लिक कर दिया। उसके बाद आप लोग को इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है या फिर आपका जो भी शॉप होगा प्राइवेट लिमिटेड क्या है वो सेलेक्ट करना है, मेरा तो इंडिविजुअल है। तो चलिए मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, आपको भी इंडिविजुअल पे क्लिक करके कंटिन्यू करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे GST नंबर है तो यहाँ पे डालिए, नहीं तो आप लोग को नीचे में पैन कार्ड ID दिख रहा है आपको, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग अपना पैन नंबर देना है यहाँ पे, आप वेरीफाई पे क्लिक कर देना। तो मैंने अपना पैन नंबर यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो वेरीफाइंग डिटेल्स यहाँ पे वेरीफाई मेरा पैन कार्ड को कर रहा है, बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पे वेट करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए वाह, यहाँ पे यह लिखा गया है योर वेरिफिकेशन इज कम्प्लीट हो चुका है, बस QR कोड 2-3 घंटे में यह एक्टिवेट हो जाता है यहाँ पे। तो अभी चलिए मैं यहाँ पे इस तरह का होम पेज आ जाता है, आपको यहाँ पे शो QR कोड एक दिख रहा है आपको, चलिए मैं उस पर क्लिक करता हूँ। तो मेरा QR कोड अभी जनरेट हुआ कि नहीं, तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए सिलेक्ट QR कोड शो नो मैप्ड QR कोड, तो अभी मैप नहीं हुआ है तो इसलिए QR कोड नहीं यहाँ पे दिखाया। यहाँ से कट स्क्रीनशॉट में क्लिक करके हटा देता हूँ, मेरा ये वाला 2-3 घंटा आ गया था। तो यहाँ पे इसी तरह का आपका भी QR कोड जनरेट हो जाएगा, सिंपल सा आपका लोगो दिख रहा है ऊपर में उस पर क्लिक करना है। उस पर आप लोग यहाँ पे बिजनेस डिटेल्स में यहाँ कुछ भी चेंज करना हो आप लोग कर सकते हैं यहाँ से, जैसे कि एड्रेस बदलना हो आप लोग को या फिर कैटेगरी बिजनेस का चेंज करना हो वो सब यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद बैक करना है यहाँ से। उसके बाद मैनेज QR कोड दिख रहा है, अभी ये एक्टिव नहीं हुआ है, 3 दिन का समय ये ले रहा है, यहाँ पे देख ले 2-3 दिन का समय ये ले रहा है।
तो नहीं उतना टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 घंटा में एक्टिवेट हो जाता है। तो गॉट इट पे क्लिक करना, उसके बाद मैनेज स्टाफ, यहाँ पे किसी को स्टाफ कस्टमर भी बना सकते हैं यहाँ पर, प्लस पे क्लिक करके उसके बाद अलाउ करना है, यहाँ से स्टाफ रख सकते हैं। उसके बाद मैनेज बैंक डिटेल्स, ये अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, 2 से 3 दिन बोल रहा है, तो 3-4 घंटा में एक्टिवेट हो जाता है। तो बैंक डिटेल्स सारा दिखला देगा, नया बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन एक सेटिंग है, तो सेटिंग पर क्लिक करना, उसके बाद आप लोग यहाँ पर लॉक स्क्रीन अनेबल है, उसका वॉइस नोटिफिकेशन ये भी अनेबल है, ये इंग्लिश में, तो इसको चलिए मैं हिंदी कर देता हूँ। तो ये बोलेगा जब भी कोई पैसा पेमेंट करेगा तो आपको मैं बोलेगा कि आपका 100 रुपया रिसीव हुआ, हिंदी कर दीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे में डन पे क्लिक कर देना, तो आपको बोलेगा जितना भी भेजेगा उतना रुपया ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में बोलेगा। ट्रांजेक्शन SMS को अनेबल कर देना है, और तो इससे क्या होगा, कोई भी पेमेंट करेगा आपको QR कोड स्कैन करके, तो हमेशा आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा कि आपका इतना रुपया आ गया। एक तो वॉइस ऑप्शन है, आप इस तरह से बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं।